हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबे स्टाइल आलू के पराठे, जिसके लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, जिसको हमने पहले से बॉईल करके रख लिया है, और हरी धनिया की पत्तियाँ, बड़ा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, कसूरी मेथी चाहिए, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर। चलिए फ्रेंड, अब इसका हम बैटर बना लेते हैं आलू के पराठे के। इसको अब हम पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे अच्छे से। अब हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, धनिया, अदरक का बड़ा सा टुकड़ा जिसको हमने पहले से चॉप करके रख लिया है, 2 हरी मिर्चें जिसको पहले से चॉप करके रख लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी जिसको हम हाथों पे क्रश करके इसको डालते हैं, इसमें डालेंगे हम धनिया और जीरे का पाउडर 1 स्पून। हाफ स्पून सौंफ पाउडर, टेस्ट के अनुसार रेड चिली पाउडर को आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, जिससे हमारे पराठे टेस्टी होते हैं, और ये हमारा अमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये हाथों से मैश करने से अच्छे से हमारा बैटर मैश हो जाता है। हमारा बैटर बनके रेडी है। फ्रेंड्स, हमने आटे को पहले से गूंथ करके रख लिया एक सॉफ्ट डो बना करके। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हाथों की सहायता से हम अच्छे से फैला लेते हैं, उसके बाद हम बेलन चलाएंगे। फ्रेंड्स, तवे पे पहले हम हल्का सा तेल लगा लेंगे, जिससे हमारे पराठे चिपके नहीं। अब हम पराठों को तवे पे डालेंगे हाथ की सहायता से। अब हम इसे पलट देंगे। अब इसको हम पलट देते हैं।
जब तक ये हमारा पराठा बन रहा है तब तक हम दूसरे पराठे को रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे तीनों पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। इसको अब हम सर्व करते हैं दही या चटनी के साथ। ये डिश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिश के साथ।